4,03,00,000 रुपए के 5G स्पेक्ट्रम के 72 गीगाहर्ट्ज के लिए भारत की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का पहला दिन 4 दौर की बोलियों के साथ समाप्त हुआ। पहले दिन ही सरकार के पास अनुमानित 4,03,00,000 रुपए में से 1,45,00,000 रुपए से ज्यादा यानी 34% आ गया है। सरकार का कहना है कि देश के कई शहरों में साल के अंत तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें स्वार्म ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बाइन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध के मौजूदा जटिल स्वरूप का मुकाबला करने के लिए 4,00,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की स्वीकृति दी गई है। ये कदम भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। हज और उमराह के लिए सऊदी अरब जाने पर GST में छूट की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं विभिन्न प्राइवेट निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर की गई थी। जस्टिस AM खानविलकर, AS ओका और CT रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। लाइव लॉ के मुताबिक फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि GST में छूट और भेदभाव दोनों ही आधार पर याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालांकि भारत के बाहर अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर GST लगाए जाने का मामला अभी अदालत ने खुला रखा है, क्योंकि ये दूसरी बेंच के सामने विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों, गिरफ्तार करने की प्रक्रिया, संपत्ति जब्त करने के तरीकों को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई कोर्ट में फैसला आने वाला है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम, NCP नेता अनिल देशमुख और दूसरों कई लोगों की तरफ से आई करीब 242 अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को 6 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। सोनिया गांधी से पहली बार 21 जुलाई को मामले में 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। तब उन्होंने एजेंसी के 28 सवालों के जवाब दिए थे। कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ED की कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाला कदम करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA में कथित अनियमितता से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ED ने एक बयान में ये बताया कि श्रीनगर में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अदालत में 4 जून को अभियोजन की शिकायत दायर की गई थी। ED ने एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनाफर और कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया है। अहमद और गजनाफर JKCA के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए TMC के 7 और DMK के 6 सदस्यों समेत विभिन्न विपक्षी दलों के कुल 19 सदस्यों को इस सप्ताह की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया है। आसन की ओर से निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर निकल जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन सभी निलंबित सदस्य सदन में ही रहे। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद कल पारित कर दिया। सदन में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर बहस का जवाब दिया। विधेयक पर चर्चा का पर हिस्सा लेते हुए कई दलों के सदस्यों ने कुटुंब अदालतों में 11.4 लाख मामले लंबित होने पर चिंता व्यक्त की और इनके तीव्र निपटारे की जरूरत बताई। सदस्यों ने अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की भी जरूरत बताई। किरण रिजिजू ने कहा कि जल्द ही सरकार कुटुंब अदालतों के विषय में समीक्षा करने वाली है। इस सम्मेलन में परिवार अदालतों से जुड़े विषय रखे जाएंगे। उन्होंने राज्यों से हर जिले में परिवार अदालतें बनाने का आग्रह किया है।
जीएसटी और महंगाई जैसे विषयों पर कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण कल भी लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा सदस्यों ने करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को नमन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में व्यवस्था बनती नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने प्रश्नकाल पूरा कराया। शून्यकाल शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का गतिरोध तेज होने पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटन स्थलों का पता लगाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा भी कर दी है। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर यह खिताब जीता था। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 और 29 जुलाई को अपने गृह राज्य गुजरात और दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। चेन्नई में JLN इंडोर स्टेडियम में वे 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई टाल दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा को बताया कि भारत भर के जिला न्यायाधीशों का पहला सम्मेलन 30 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की याचिका पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार में TS सिंहदेव के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो गई हैं। TS सिंहदेव का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाकर उनके एक विभाग को छोड़ने की घोषणा के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब उत्तर प्रदेश से NCR में जाने वाली स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस को अलग से रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। अवैध खनन घोटाले मामले में गिरफ्तार JMM के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी समन जारी किया है। अभिषेक प्रसाद को समन भेजकर 1 अगस्त को ED कार्यालय बुलाया गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इन पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। गुजरात के बोटाद जिले में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। हत्या और अन्य अपराध के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों जमकर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की जानकारी दी है। IMD के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य कई राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात, कोंकण, विदर्भ, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के तटीय हिस्सों में, तेलंगाना आदि राज्यों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। UP के कई जिलों में आज
बूंदाबांदी के आसार हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। फिलीपींस में बुधवार सुबह एक बड़ा भूकंप आया। रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 7.1 बताई गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि भूकंप के केंद्र में इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और मनीला में 300 किलोमीटर से अधिक इसके झटके महसूस किए गए। भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को चावल और तमिलनाडु सरकार द्वारा दान में दी गई दवाओं के साथ मानवीय आपूर्ति की तीसरी खेप सौंपी। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने यहां तमिलनाडु सरकार द्वारा दान किए गए 3.4 अरब रुपए से अधिक मूल्य की मानवीय आपूर्ति सौंपी है। श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन चावल, 500 मीट्रिक टन दूध पाउडर, 100 मीट्रिक टन दवाएं प्राप्त हुई। श्रीलंका के मंत्रियों ने भारत सरकार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को इस मदद के लिए आभार जताया। PMLQ नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने 27 जुलाई को तड़के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए प्रधानमंत्री शाहबाज के बेटे हमजा शाहबाज को पद से हटा दिया है। इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स दुनिया में अपना कहर ढा रहा है। मेक्सिको में मंकी पॉक्स के 60 मामलों की पुष्टि हुई। मेक्सिको के रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन अवर सचिव ने यह जानकारी दी है। लोपेज गैटेल ने कहा कि अब तक मेक्सिको में मंकी पॉक्स से कोई मौत नहीं हुई है। 11 मेक्सिकन शहरों में मंकी पॉक्स के मामलों का पता चला है जो वायरस से संबंधित है। मध्य ईरान में एक सड़क पर दो कारों की टक्कर में करीब 6 लोगों की मौत हो गई। नेन इस्फहान मार्ग पर हुए हादसे में एक कार बाईं ओर मुड़ी और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में एक यात्री घायल हुआ। दुर्घटना के अन्य कारणों की जांच की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र में हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। उसने बखमुत, चासिव, यार, स्लोवियास्क व कोस्टिनिस्का शहरों पर भीषण मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना ने शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूस ने ओडेसा और माइकोलीव क्षेत्रों में मंगलवार को मिसाइल हमले तेज कर दिए। कैलिफोर्निया में योसेमिट नेशनल पार्क के पास जंगल में लगी आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। इस आग से अभी तक 55 मकान और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। आग के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। हालांकि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हेलीकॉप्टरों के जरिए आग पर 3,00,000 गैलन पानी डाला गया। दमकल कर्मी भी आग पर काबू पाने के लिए अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तुर्की के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि वो 9 अगस्त को अपने तट से गैस की खोज फिर से शुरू करेगा। यूरोपीय संघ 2020 में अंकारा को ताजा प्राकृतिक गैस भंडार की तलाश में पूर्वी भूमध्य सागरीय जल में धकेलने के लिए मंजूरी देने के करीब आया। और खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आज की खबर।